नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम शनिवार और रविवार को किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करते हैं, और इस हफ्ते ये महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीति के अपराधीकरण का। वैसे तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बरसों से इस पर चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग समय पर ये मांग उठती रही है, चुनाव आयोग की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को भी, कि वो पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वच्छ और अपराधियों से मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास करें। लेकिन चुनाव आयोग की भी शक्तियां और सीमाएं निश्चित हैं, सीमित हैं, और राजनीतिक दल वो इच्छा शक्ति दिखा ही नहीं रहे हैं जिसकी अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इस देश की जनता उनसे किए बैठी है, बल्कि उल्टा हो रहा है। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। 2009 में राजनीतिक दलों ने जिनको टिकट दिए उनमें से करीब 30% दागी सांसद लोकसभा पहुंचे। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर के 34% हो गया, और इस बार 2019 में दागी सांसदों की संख्या 43% पहुंच गई है, यानी करीब 9% दागी इस बार और बढ़ गए। 2017 जून में एक घटना हुई थी उन्नाव में। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उन पर एक युवती ने ये आरोप लगाया कि जब वो नौकरी की सिफारिश कराने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने और उनके भाई अतुल सेंगर ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उन्हें औरैया जिले के एक गांव में करीब 1.5 हफ्ता रखा गया जब तक कि पुलिस ने उनको बरामद नहीं कर लिया। उसके बाद लड़की की शिकायत पर मामला तो दर्ज किया गया लेकिन एमएलए को गिरफ्तार नहीं किया गया, और सरकार भी इस इंप्रेशन में रही, जैसा कि सेंगर कह रहे थे कि राजनीतिक बदले की भावना से साजिश के तहत उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 9 महीने बाद जब इस पूरे मामले की केस की जांच सीबीआई को सौंपी, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया, और जांच पड़ताल के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। आरोप पत्र दाखिल करने के कुछ ही दिन बाद, कुछ ही समय बाद, 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जिले के एक थाना क्षेत्र में घटना होती है। वो रेप पीड़ित जब अपनी चाची, मौसी, वकील के साथ रायबरेली से फतेहपुर के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट होता है, जिसमें रेप पीड़ित की मौसी और चाची की तो मौके पर मौत हो जाती है और वकील और रेप पीड़िता गंभीर रूप से घायल होते हैं। और जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रक की नंबर प्लेट आगे से भी और पीछे से भी ग्रीस से ढक दी गई थी, पोत दी गई थी। इस पर बवाल शुरू हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को, सीबीआई को नोटिस इश्यू किए। पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उनके वकील भी लखनऊ के एक अस्पताल में, और इस मामले की जांच भी सीबीआई के सुपुर्द की गई है। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है,
और जितने मामले इस रेप पीड़िता से जुड़े हुए हैं उन सबको उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। 45 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करके फैसला देने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सरकार से कहा गया है कि वो रेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा फौरन दे। जिस कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगा है और उसकी हत्या कराने के लिए ट्रक से एक्सीडेंट कराने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगे हैं, ये कुलदीप सेंगर शुरू में कांग्रेस में थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में आए, 2002 में एमएलए बने, 2007 में समाजवादी पार्टी से एमएलए बने, 2012 में भी समाजवादी पार्टी से एमएलए बने, और जब 2017 में इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर एमएलए बन गए। आप ये देखिए कि अलग अलग पार्टियों से इनको महत्व मिला, सबने इनको टिकट दिए, ये एमएलए बनते रहे, और इसके बावजूद कि इनके खिलाफ मामले पहले भी दर्ज थे और इलाके में इनकी बाहुबली की छवि है, फिर भी हर पार्टी ने उनका स्वागत किया, उनको टिकट दिया और वो एमएलए बने। और ऐसे व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर होकर के किस हद तक पहुंच सकते हैं, रेप पीड़िता के साथ जो घटनाएं हुई हैं उससे ये जाहिर होता है। और कुलदीप सेंगर अकेले अपराधी छवि के नेता नहीं हैं, जैसा मैंने कहा कि लोकसभा में भी जो दागी किस्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके पहुंच रहे हैं वो अलग अलग पार्टियों के हैं। सब पार्टी दागी किस्म के नेताओं को टिकट देती है और वो जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं, विधानसभाओं में पहुंचते हैं। अगर आप नजर दौड़ाएं तो 2019 की लोकसभा में जो 43% दागी इस बार जीत करके पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 543 के सदन में 233 है, इनमें सबसे ज्यादा दागी एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं 116। कांग्रेस के 52 एमपी चुनकर के आए हैं इस बार, उनमें से 29 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या चल रहे हैं। जनता दल यू जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में है, उसके 13 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी 10 एमपी अपराधी किस्म के हैं, और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी उसके 9 एमपी दागी किस्म के हैं, उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के 303 में से 39% सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के भी 52 में से 57% एमपीज पर मामले चल रहे हैं और जेडीयू के 81% एमपीज पर मामले चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज, और इनमें से कई सांसदों पर रेप, रेप की कोशिश, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज। आप अलग अलग विधानसभाओं में देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जो 2017 में चुनी गई थी योगी के नेतृत्व में, इस समय वहां सरकार है, 143 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, 403 का सदन है उत्तर प्रदेश का, उसमें से 143 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, हिमाचल, उत्तराखंड चले जाइए, हरियाणा, आप बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट में आप जाइए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां
आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देती हैं, वो जीतते हैं, सदनों में पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी दबंगई शुरू होती है। उनमें से कई के खिलाफ बहुत संगीन किस्म के आरोप लगते रहे हैं। आज अगर ये कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी में है तो 2017 से पहले वो समाजवादी पार्टी के दो बार के विधायक रहे हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं, उससे पहले शुरुआत उनकी कांग्रेस से हुई है और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी एक निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी जो निर्दलीय विधायक थे उन पर अपनी पत्नी सारा की हत्या का आरोप लगा था। वो गिरफ्तार किए गए जेल में और समाजवादी पार्टी के ही एक चर्चित विधायक और मंत्री गायत्री प्रजापति, उन पर भी एक महिला ने जो बांदा से बिलोंग करती थी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के समय बहुजन समाज पार्टी के ही एक MLA पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, उन पर उनकी नौकरानी ने आरोप लगाया था दुष्कर्म का। मायावती ने उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ SIT की जांच हुई और वो जेल में है। अलग अलग पार्टियों की सरकारें जब भी रही हैं तब भी इस तरह के मामले हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। और ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा मसला है जो भारतीय लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, जो पूरी व्यवस्था पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। भारतीय राजनीति में बहुत लंबा दौर ऐसा गुजरा है जब ईमानदारी को, योग्यता को, भलमनसाहत को और जो जनता में लोकप्रिय हों, जो जनता की सेवा में विश्वास करते हों, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती थी, ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते थे। लेकिन आज टिकट देने का क्राइटेरिया क्या हो गया है? कुछ साल पहले तक एक गंदी राजनीति का सूत्रपात हुआ, अलग अलग दलों में बाहुबलियों की मदद लेकर के लोग चुनाव जीतने लगे, पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर चुनाव जीतना शुरू किया। जब बाहुबलियों ने, अपराधियों ने देखा कि हमारी वजह से ये लोग MP बन रहे हैं या MLA बन रहे हैं, तो उन्होंने भी टिकट मांगने शुरू कर दिए और उनको टिकट देना भी शुरू कर दिया गया। फूलन देवी जैसी कुख्यात डाकू को टिकट दिए गए, वो सदन में पहुंची। अलग अलग समय पर कुख्यात लोगों को टिकट दिए गए और वो सदनों में पहुंचे, जिन पर दो दो तीन तीन दर्जन मुकदमे, जिन पर रेप, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, इस तरह के संगीन आरोप, उनको टिकट दिए गए और ऐसे लोग जीते भी, सदनों में पहुंचे और मंत्री भी बने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग जब व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि जगह जगह इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और सबसे जो स्याह पक्ष है वो ये है कि अपराधियों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को भी टिकट दे रही हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 403 में से 322 विधायक करोड़पति हैं और उनकी औसत जो संपत्ति है वो 5,92,00,000 रुपए की है। इनमें से BJP के करोड़पति विधायकों की संख्या 246 है, समाजवादी पार्टी के करोड़पति विधायकों की संख्या 39 है, बहुजन समाज पार्टी के करोड़पति विधायकों की संख्या 18 है, अपना दल के 7 हैं, कांग्रेस के 5 करोड़पति हैं, इंडिपेंडेंट 3 हैं। आप अंदाजा लगाइए। और संसद में तो और भी बुरा हाल है। संसद में 80% से ज्यादा
एमपी करोड़पति हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा लोकतंत्र किस तरह की बुराइयों की गिरफ्त में आ गया है। क्या कोई गरीब, क्या कोई साधारण व्यक्ति अगर चाहे कि मैं अपने समाज की, अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने जिले की, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए संसद या विधानसभा में जाऊं, तो क्या उसके लिए यह संभव है आज की तारीख में? प्रताप सारंगी जैसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां क्राइटेरिया क्या रखती हैं टिकट देने का? जरा सोचिए कि ऐसे लोग जब सदनों में पहुंचते हैं तो वो अपने भले के बारे में सोचेंगे या देश की जनता के बारे में, अपने क्षेत्र की जनता के बारे में सोचेंगे? और जिस तरह के उन्नाव जैसे कांड हो रहे हैं, ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होने चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।